बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन तमामीन। तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक और मज़ेदार सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है जी चिकन सीसम कबाब। तो चलें जी, मैं इसकी इन्ग्रीडियंट्स आप लोगों को बता देती हूँ, इन्ग्रीडियंट्स साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बॉयल्ड चिकन, आप बोनलेस चिकन ले लें या हड्डी वाला चिकन लें, उसको बॉयल कर लें। बॉयल चिकन हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून हरा धनिया, एक छोटी शिमला मिर्च ले ली, इसको बारीक चॉप कर लें। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 के लाल हरी मिर्च थी वो भी मैंने डाल दी, ज़रा अच्छी खूबसूरत सी लगेगी, इसमें कलर अच्छा आएगा। और 1 बड़े साइज की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून लिया है पिसी हुई काली मिर्चों का, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे नमक का, नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून लिया है हमने खटाई पाउडर यानी अमचूर पाउडर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून लेंगे हम पिसा हुआ अदरक लहसुन का। ये सब हो गया। अब इसके अंदर ऐड करना है हमने, ये मैंने 3 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे, इसको हम थोड़ा सा गीला करके डालेंगे इसके अंदर। ये जैसे कि डबल रोटी के स्लाइस हो गए, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पानी डाल के इसको गीला कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसको गीला करके पानी से, और इसको जो है हमने निचोड़ना है। इसकी वजह यह है कि ये ज़रा जब हम इसमें डालेंगे ना अपने चिकन के अंदर, तो ये सॉफ्ट बनेगा हमारे जो कबाब है। ये देखें, इस तरह से हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी सबसे पहले हम इसको चॉप कर लेते हैं सब चीज़ों को। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक अंडे को, अंडे को अच्छे से फेंट के हम इसके अंदर डाल देंगे। अब अंडा इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये चॉप हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन के अंदर। चलें, ये इसके अंदर निकाल लेते हैं। ये हमारा जो है इसका बैटर रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि सारे मसाले और अंडा वगैरह हमने इसमें डाल दिया, इस तरह से छोटे छोटे कबाब बनाने हैं, छोटे छोटे से कबाब या कटलेट जिस शेप के भी आप चाहें आप बना के। और अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर ये जो हमारे पास तिल है ना, इसके अंदर कोट करना है हमने, क्योंकि इसका नाम ही चिकन सीसम कबाब है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। और आपने यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ये रेसिपी देख रहे होंगे आप लोग, तो इस तरीके से बना के और ये कबाब हमने रखने हैं। चलें, इस तरीके से मैं सारे कबाब अपने बना के रेडी करती हूँ, और इसमें आपको किसी भी एक्स्ट्रा जो है अंडा या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ इसके अंदर ही ऐड किया हुआ है। इस तरह से हम इसको जो है लगाएंगे तिल, और इसको यहाँ पर रखेंगे। रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़बरदस्त स्नैक है। आप इसको बना के और फ्रीज कर सकते हैं, फिर जब अफ्तारी के टाइम आपका दिल करे आप इसको निकालें और फ्राई करें। चलो फ्राई, तो अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसको हम शैलो फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा बॉयल है। तो ये एक एक करके मैं इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको टर्न कर लेती हूँ। देखें, इस पर ही इस तरीके से कलर आ चुका है अंदर से, बहुत ज़्यादा तो हमने इसको पकाना नहीं है। तिल का कलर तो ऐसे वाइट ही रहता है कुक होने के बाद भी, और ये चिकन हमारा अंदर से जो है ना पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमें कलर आया, सबको सारे जो है ना इस तरीके से टर्न कर लेती हूँ। चलो, फ्लेम इसका मैं ऑफ कर देती हूँ। चलें जी, और इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये हमारे बहुत मज़ेदार से और अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। ये हमारे मज़ेदार से सीसम चिकन सीसम कबाब रेडी हो चुके हैं, और ये वाले हमने फ्रीज़ करने हैं। ये हमारे रमज़ान के लिए फ्रीज़ हो चुके हैं। और अब मैं एक आपको जो है तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना कोई मज़ेदार से और बहुत ही सॉफ्ट से ये हैं, अंदर से भी कोई इतने सख्त नहीं है। ये देखें, तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।